बाजार जिले के कसडौल नगर में 5 मई को आद्य शक्ति महिला उद्यान की अध्यक्ष लक्ष्मी साहू और उनके पति चंद्रप्रकाश साहू ने संसदीय सचिव और विधायक शकुंतला साहू के साथ ही युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मानस पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया था। आज आद्य शक्ति महिला उद्यान की उपाध्यक्ष ललिता साहू की अगुवाई में संघ के लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए लक्ष्मी साहू को एनजीओ से इस्तीफा देने की मांग की। संघ की वरिष्ठ सदस्य उत्तरा देवी कश्यप ने आद्य शक्ति महिला उद्यान के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए संगठन के लोगों को ठगने का आरोप लगाया है। आद्य शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाज सेवा करती है, करती रहेगी। अब देखिए, हम लोग तो मैं सबसे बुजुर्ग हूँ और इस उम्र से मैं इसमें आद्य शक्ति में जुड़ी थी कि मेरे पास छोटे छोटे हमारे मोहल्ले में गरीब है, उसके थोड़ा उत्थान हो जाए, उसको कुछ काम मिले और उसको कुछ सहायता मिले करके मैं जुड़ी थी। लेकिन वो मैडम तो हम लोग को थोड़ा धोखा दे रही है, हम लोग को यूज करता है लगता है। मैं ललिता साहू आद्य शक्ति की उपाध्यक्ष हूँ। मैम ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, अच्छी बात है, लेकिन हमारे टीम को एक भी बार आगाह नहीं की है। हम लोग वो कांग्रेस में जाए या बीजेपी में जाए, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बार हम लोग को आगाह करना था उनको। और हम लोग राजनीतिक में जाने के लिए समाज सेवा में नहीं उतरे हम लोग।